नजर आई वो मैं बयान करता हूं आपके सामने। जो सबसे अट्रैक्टिव चीज मुझे नजर आई कि जो इन्होंने अपनी स्पीच के अंदर वेरिएबल ग्रांट का जिक्र किया, वफाक पाकिस्तान आपको दे रहा है 55 अरब, आप अपनी किताब में शो कर रहे हैं 70 अरब। आप हमें बताइए कि असेंबली के अंदर ये फिगर्स आप कैसे लेके आए, और अगर आप किसी और चीज को मुझे छात्र रख के लाए हैं तो क्या जिस वक्त आप CBR की कानून शासी कर रहे थे तो आपने उस अमर को मरूज़े खाता रखा? पर भी है ये भूल गए थे जो झुकते थे आपके गुजार करना उनका दो पे। जनाब स्पीकर, असेंबली के अंदर वफाक पाकिस्तान आपको 55 अरब दे, आप किसकी कमिटमेंट के ऊपर 70 अरब शो करके अपने बजट को मुकम्मल कर क्या मतलब है इसका कि आप ऐलान को हर तो फिर सोच के बाद मेरी बात गलत है तो मेरी बात वजीर खजाना के लायक है, और अगर मेरी बात सही है तो वजीर खजाना वजाहत करें इस अमर की कि क्या वफाक पाकिस्तान अगर आपको 55 अरब देगा वेरिएबल ग्रांट और आप इसको 70 अरब शो करके इस ऐलान से पास कराने के लिए 15 मिलियन के डॉलर को कहां से मीट करेंगे? कौन मीट करेगा? अगर आपको वफाक से किसी ने कोई प्लेज किया या कमिटमेंट दिया उसका लिया जाएगा फ्लोर के ऊपर, ताकि इस फ्लोर से ये कमिटमेंट उन तक पहुंचे जिन्होंने आपसे कमिटमेंट किया, इधर वो कोई भी अथॉरिटी। मैं समझता हूं कि जिस बजट के अंदर फिगर की हालत दी है उस बजट की तो तकरीर क्या कर रहा है, फिर कमाल हैरत है जवाब की गई 15 अरब 150 करोड़ रुपया। मेरे फिगर को आप एक मैच कर लें, 15 अरब 150 करोड़ रुपया सिर्फ 3 डिपार्टमेंट CNW, LGRD और DPMH, और बाकी सारा पैसा आजाद कश्मीर के बाद अपनी जगह है। इस बजट जान से ये है आपकी पॉलिसी, ये है आप आवाम को रिलीफ देना चाहते हैं। मैं डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, नॉन डेवलपमेंट की नहीं कर रहा हूँ। इसी का लगा है अगर ये प्रायोरिटी है आप तो फिर तो बिल्कुल ठीक है, आप सियासी तब्दीली करते जाए, लेकिन तब तक आप आवाम को एक फैक्ट से फिर से पर्दाफाशी करते रहते हैं। अब वो दौर नहीं है जनाब स्पीकर, अब दौर बहुत आगे जा चुका है। लोग इंटरनेट और सोशल मीडिया के साथ बहुत अवेयर है। हमें तो ये भी अंदाजा था कि आपको NDMA ने ग्लव कितने फराहम कर दिए, क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया साइट पर लगा दिया। हमें तो ये भी अंदाजा था कि उन्होंने आपको ICU के रूम कितने फराहम किए, हमें तो ये भी पता था कि कस्टम किट्स कितनी दे दी है। गुजारिश करी है यार स्पीकर, कमाल भारत की बात है। वजीर खजाना कहते हैं 47 करोड़ आप कोविड पर खर्च चुके हैं, अगले बजट में एलोकेशन 20 करोड़ रखी गई है। नहीं समझ आई को 47 करोड़ खर्च में जब आप 20 करोड़ रुपए कहाँ लगाएंगे, और क्या यही कोविड के ऊपर उनकी टोटल जो इन्होंने अपनी किताब में लिखा उसको डिनाई नहीं कर सकते? स्पीकर, यहाँ मेरे भाई ने कहा कि बहुत अच्छा काम हो गया क्योंकि हमने एक दीवार के मिला दी है सड़कें और बहुत अच्छा काम किया। मैं जो जी सब मेरे भाई कह रहे हैं उनका बहुत काम कर सोच से उनकी काबिलियत पे भी मैं कुछ शक नहीं करता, मैं उनको तंजीद भी नहीं करता। और बड़ा लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, किससे 80 किलोमीटर भी कंडीशनल मुल्क में बात करते हो, साथ में आता है और मिलकर रोना होता है। मंजिल तक सोच के आए बोले जो होना होता है, एक सोच पे है मीनार बना। 96 किलोमीटर पलंदरी में, 76 किलोमीटर पहुंच गए। अपने नजरिए पास रखो हम अपना नजरिया रखते हैं। मेरी आपसे बदस्ता गुजारिश है बतौर एक कस्टोडियन ऑफ हाउस एक ऑपोजिशन के अल्लाह से रुकन आपसे इल्तमास करता है, अगर बाकी ऑपोजिशन मेरे से एग्री करे तो एक दफा इस महाजर कैंप अबोर का दौरा तो कर लें। अगर आपकी गाड़ी वहां चढ़ गई तो मैं हर जुर्म देने को आपको तैयार हूं।